रउआ लोगन के देखी अब एगो चीज जान जाए के बा कि केहू के लगे कुछ बाना आ कोनो उपाय नहीं है। एकर एके गो उपाय पता लागल बा जे सब कोई बतावता कि रउआ यह करी, चाहे वो चीनी में बतावता, चाहे वो स्पेनिश में बतावता, चाहे वो अंग्रेजी में बतावता, चाहे वो रउआ के उसमें चाहे वो फ्रेंच में बता होता, लेकिन बात एक एक होता कि घर में रही रहुआ, डेरा पर रही या डराई ना। तो दो बात याद रखी, डराए के नहीं खे, डराए केहू से डराए के नहीं खे बीमारी से, लेकिन डेरा पर रह के बा। तो जे डेरा पर रही आ डराई ना वे बाची। कहे से कि डॉक्टर लोग के जो सिस्टम बा, वैज्ञानिक लोग के सिस्टम बा, वो कोरोना वायरस के सामने दाची आ गए बा। वो लोग कुछ बुझात नहीं है कि अब एक क्या तरह रुकल जाओ आ फैलता एकदम अगिया बैताल खानी, यहाँ से लुटी लगा देता भूल से एक बार चारों दियरा 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 दिया घूमत घूमत गांव चला होता है एक आग। तो ऐसे हमनी के बहुत सजग होके के बा में आ बहुत तैयारी से इत्मीनान से हमनी के रहे के बा एक में। और वह एक और चीज देखी कि जो आम बेजाय बात नहीं कह, ये तीन बात मोटा मोटी निकल के आई बा कि या तो अलग अलग मुल्क के लोग इमरजेंसी लागू करता या सेना के उतार देता या फिर कर्फ्यू लगा देता या फिर लॉकडाउन कर देता। आज के लिए वो नया शब्द है लॉकडाउन कर देता, मैंने तालाबंदी कर जाओ शहर के, अब शहर में केहू ना निकली, जे जहां बा वो अपना डेरा में रही। तो रही बहुत दिन हो गए डेरा में रहला, बहुत दिन हो गए घर में रहला, तो रह के पड़ी। यह बाचे के उपाय बा, ये एगो टेबलेट बा, बाकी और कुछ टोटका वोटका दवाई ओझा ओझा चली ना, कुछो नहीं केहू के लगे। ऐसे जितना इंतजाम से रुआ रहे उतने ही इंतजाम से रुआ समाजों के बचाएं, उतने ही इंतजाम से रुआ अपन राज्य के बचाएं, उतने ही इंतजाम से रुआ डॉक्टर लोगों के भी बचाएं। अब हमें डॉक्टर रुआ के बचावे ना ही है, हमें रुआ तो अपना के ठीक करके डॉक्टर के बचावे के बा। जितना लोग अपना के ठीक रखी समझी कि उतना लोग अस्पताल पे डॉक्टर पे एहसान करी। कहे से कि सबके बिरनी कटले रहे, तो केहू चुनाव में दौड़ल जाए तो दौड़ल दौड़ल गई नहीं रहा लोग, केहू ना पूछला कि हो अस्पताल कहीं लौकत नहीं है कुछ बनवाओ, अल तरह के एमपी चुननी है, तरह के हम एमएलए चुननी है, तो दू गो अस्पतालों बनवाई बह, तो केहू ना बनौलक, न रउआ पूछनी ना हमनी के मीडिया में लोग लिखत रहे, लोग चार पांच गो एक्सपर्ट लोग लिखत रहे, लेकिन केहू पूछे लोग ना, वही ओगनी का डॉक्टर लोग बा लोग पब्लिक हेल्थ कहाला, आ वो लोग सारा अपना रिसर्च करके अखबार में आर्टिकल लिख देता, हिंदी के तो छापते नहीं खन सन, हिंदी का अखबार वाला सन अपनी के, तो रउआ लोग तो बात पहुंचत नहीं गया। लेकिन वो लोग अपना कई साल से कहता कि हमनी के अस्पताल के सिस्टम में खर्चा नहीं करत जा। अब का होता दुनिया में जाके देखी, फुटबॉल के मैदान जो बनौले रहे वहां पे अस्पताल बनावते नहीं रउआ, होटल के अस्पताल बनावते नहीं, हर जगह जगह खोजते नहीं शहर में कि कहाँ के कौन जगह मिलो जहां पे जाके लोगों के अस्पताल में रखे के बा। तो खैर कमी के बात तो हमारे काम, हम पत्रकार हैं, अगर हम कमी ना बताएं तो पता कैसे चली। तो देरी भइल बा, देरी बहुत ठीक ठाक देरी हो गई बा, अब ओकर कीमत हर जगह के देश के लोग चुकावता। उम्मीद रखी कि हमनी के ओकर मार ना पड़ो, लेकिन हमनी के जितना इंतजाम से रहम सन, जितना दूरी बनायम सन, उतना ए बीमारी से लड़े के तैयार है। आ ई बात खाली अपने नहीं के बुझेगे, लैका फैका सबके बुझावे के बा, घर में जाके रिश्तेदारों के पहुनाइयों में जाके फोन करके बताई कि चल मत आई दही दौरा ले लेके बार कि कोरोना वायरस में कि न्योता हाकारी करे आ गई नहीं, सब एवरा नहीं के करे के, केहू के बारात नहीं के जाए के, केहू के अंतिमो क्रिया में नहीं के जाए के, भोज भात में नहीं के जाए के, आठ जाम में जाई मत, न तो ढोलक बजाओ बजाओ कब रहो थपरी बाजी पते न चली, सारा खेत से उड़ा जाइल होगा दाँत चियर दिल। तो एक बात बेसिक बुझे के बा कि कहीं नहीं खे जाए के, ए बरा कोनो काम अर्जेंट नहीं खे रहो बुझनी, तो ये बात समझी। का है कि बीमारी जे बा वो लुटी खानी फैलता, लुटी खानी लागत है एगो चिंगारी, आ पहले दियर धरता तो बुझाता कि दियरा में तो बड़ा दूर बा, उन्हें आग लगल बा तो गाँव में तो ना आई, फिर वो बांध पर चला होता, फिर वो चौक पर चला होता, फिर चलते चलते घर में चला होता। तो एक आदमी से होता
अढ़ाई आदमी का हो जाता, फिर अढ़ाई आदमी से अगला अढ़ाई आदमी का हो जाता, तो होत 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 ये फैल जाता। अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रोगा नाम सुनले ही होखम बहुत सारा लोग, ये लोग देरी कैले बा एकरा के महामारी, दुनिया के महामारी घोषित करे में ये लोग देरी कैले बा बहुत ज्यादा। ऊपर बाद में आए हम, फिर जब भोजपुरी में करम तो अभी बेसिक बात रहुआ समझी के देखी कि 1,00,000 लोगों के बीमारी कोरोना धैलक 67 दिन लागल पूरा दुनिया में, 67 दिन में 1,00,000 लोगों के बीमारी धैलक, और ओकरा अगला 11 दिन में 2,00,000 लोगों को दुनिया भर में धललक। तो सोची कि कितना तेज 1,00,000 से 2,00,000 तक पड़ल, और ओकरा बाद सिर्फ 4 दिन में 3,00,000 से ऊपर चल गई। तो सोची कि 67 दिन यानी कि पहले ये बीमारी फैलता धीरे धीरे, तो 67 दिन में 1,00,000 लोग तक दुनिया में फैलल, और ओकरा बाद 11 दिन में तो 2,00,000 भइल, डबल भइल, लेकिन 4 दिन में ओकरा बाद से 3,00,000 पार कर गई। तो इतना तेजी से ये बीमारी फैलता, चिंता कैला के बेसी बात नहीं है कि कहे से कि 80% लोग तो ठीक हो जाता, 80% लोग, 20% लोग मने अस्पताल में ओकरा के भर्ती कर जाता, और उनमें से अलग अलग देश के आंकड़ा बाकी 6% से लेके 10% तक लोगों के क्रिटिकल जरूरत मने कि वो सीरियस हो जाता, वो इमरजेंसी में हो जाता है, तो वेंटिलेटर चाहिए। अब पूछी जाके आरा में, आजमगढ़ में पूछ ले तो ना रहनी, कौनो MP MLA आई पीछे लग गई ओकरा जिंदाबाद जिंदाबाद कर पूछनी कहियो ना, तो अब पूछी तो वेंटिलेटर नहीं है, तो ए बरा तो वेंटिलेटर आई ना, ओकरो टाइम होकर लाओ बड़ा दिन में, जो वेंटिलेटर बनावे वाले कंपनी बाड़ी सन स्विट्जरलैंड के कंपनी बाड़ी सन, ओकनी के तो अपना देश के लिए वेंटिलेटर नहीं बना सकत सन, तो रहुआ देश में तो रहुआ के तरह आई ना, ऑर्डर कैले बनी ना कुछ कैले बनी, तू अबे ना करी जा तो अभी चल जाइ। तो ऐसे बचावे के बाद ऐसे अस्पताल के भरोसा नहीं रखे के, तो जितना सरकार ये बात कहतरी कि ठीक बा वो लोग सब कुछ काम ना भेज वो अलग बात बा, लेकिन जब सरकार ये बात कहत रही कि घर में रही तो बात ठीक बा, तो घर में रही ये दवाई है अपनों देश के भी और समाज की और कुछ बा ना। तो ऐसे ही हमनी के समझे के बा कि कितना तेजी से ये दुनिया फैलता, तो समझ गए नी, तो टोटका फुटका जितना अफवाह समझौता नहीं, हाउ डॉक्टर कॉले हाँ उनका लगे वो इंजेक्शन बा, हाउ डॉक्टर कहले हाँ कि उनका लगे वो दवाई बा वो दे तरह ठीक हो, केहू के लगे वो दवाई नहीं है, आई लोगों से बेवकूफ बने के जरूरत नहीं है। अब क्या करे के बार हुआ, अपन व्यवहार में परिवर्तन करे के बार, मान ली ए तरह से कि रहुआ हो चुकल बा पहले ही से मान ली, और ओकरा हिसाब से रहुआ रखे के बाद, देखिए अंग्रेजी में एगो वर्ड सुना था एसिम्प्टोमेटिक, एकर माने का होला कि अभी सिम्टम नजर नहीं है, और तो सिम्टम सिम्टम का बुझे लक्षण, लक्षण नहीं खेल लोग एकर माने ही ना भई करे बीमार नहीं थी, अरे हुआ कोरोना वायरस धैले नहीं है, हो सके लगे कोरोना वायरस लोग धल ले बा, लेकिन तेज बुखार खांसी बिना खखार वाला, खखर खखार खखार आवे चाहिए, खखार आवत तो ठीक बा, अब खखारे नहीं खेवत गर्दन मैंने पूरा जलता में लागत तीत खानी लागत गर्दन वार हुआ थ्रोट कंठ, तो उस सब में कोनो इलाज उलाज नहीं है, आप बदन बड़ा दर्द दुखाता हो तब हो जाला, तब माना जाता कि ये लक्षण है एकर, लेकिन जब ये नहीं खे हो तो एक मतलब ये नहीं है कि रउआ के अंदर वो वायरस नहीं है, कैसे कि जे विदेश में गईल बा जे जेकरा ये संक्रमण भइल बा ओकरा नजदीक जे जे आई बा ओकरा भीतर 14 दिन के भीतर ये लक्षण आ जाई, आ जाए तो ठीको हो जाए, 80% लोग ठीक हो जाता तो मैं ज्यादा चिंता के लगे बात नहीं है, लेकिन यह रोके के बाद सुने में मान लीजिए रोगा कि 20% बुझाता कि कम 20% कम भइल जी हैं, 100 में 20 आदमी मर जाए तो ठीक भइल, आप 20 में से मान लीजिए कि 100 में से अगर हर 100 में से 9-10 आदमी मरे लगे मुआ जाए वो ठीक भइल कम भइल, कम नहीं है ओकरा के जब आप करोड़ में आबादी में ट्रांसफर करें तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाए। अब इटली में देखी सबसे बढ़िया इंतजाम उनका अस्पताल के, सबसे बढ़िया खूब बढ़िया सरकारी सरकारी इंतजाम रहे उनका, अब बहुत बूढ़ पुरानिया लोग रहे हो जा तो 70% लोग जो कर 85% लोग मुअल बा हो जा जेकरा जेकर 70% से ज्यादा बा,
और वेंटिलेटर कम नहीं है, डॉक्टर लोग 3,000 बेसी से नर्स लोगों के बताई हुई इटली में जी इन्फेक्शन हो गई बा कोरोना, 3200 से बेसी नर्स लोगों के भइल बा आ 14 जना डॉक्टर लोग मुंह गए। तो ऐसे अभी हमनी के पास इंतजाम नहीं किया, डॉक्टर लोग डराइल बा, नर्स लोग जेबे ना करी नजदीक के तरह जाई, ओकरा इन्फेक्शन हो जाई तो अपना घर में परिवार में और ही लोग फैला दीजिए। तो ओकरो डॉक्टर वो लोग के चिंता लेकिन सही बा, उ लोग को भी डर लगा था। तो जो देखत नहीं कि अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग जो उतरले रहा है उजर उजर पहन के चानी खांदी कपड़वा जन पहले रहा, तो वैसा एगो कपड़ा होला ओकर कहल जाला पीपी। अब ओकर इंतजामे नहीं है तो बजाई, अब केकरा लगे जाके चिल्लाए बेरा कुछ ना आई, बारात दुआरी पर आ गया जाए जाके चौक पर मिठाई खोजे तो मिली, लगन के दिन में ना मिली, बात साफ हो गई। तो वही तरह इस संकट के दिन में अभी बहुत सारा चीज ना मिली। तो ऐसे जे जितना लोगों के संपर्क में ना रही उतना कम लोग ये बीमारी के चपेट में ना आई, तो ये बीमारी रुक जाए। यही खाती चारों तरफ बंद कर, ये बंद ऐसे लिखे के जाकर वो मेला में घूमी आ जाके कोनो के घारी में बैठ कर देखो तनी, हम अपना बिल्डिंग में दिल्ली में लोग ताश खेलता नीचे से देखनी है झोंकनी है तो खेदी जे लोग जे घारी में झोपड़ी में केहू के खलियान में बैठ के ताश खेला मुड़ी मुड़ी लगा के वो खतरनाक है, वही से फैल जाए। आ जितना ज्यादा सुरती खाता रहे फाकत रहे बांटत रहे वो ठीक नहीं है, बताई क्या है, क्योंकि ये हाथ है में कितना दिन से डॉक्टर लोग वैज्ञानिक लोग हमनी के कहल कि भाई ये हाथ साफ रखी, तो केहू हाथ साफ ना बात ना माने कह गए जी हमारा नानू ठीक हुई हमारा कुछ ना होला, बहुत लोग सुनत हो कही गए जी हमारा ना कुछ हो गया, इतना डराया के नहीं खे भाई रहुआ मान ली ना कुछ हो गए, वो कोरोना का वायरस चल गई रहुआ मान ली मजबूत बानी, लेकिन रहुआ से अगर कमजोर में फैल गई तो चल नु जाइए ओकर विकेट तो डाउन हो जाइए, वो तो दादा चेयर दिए हैं अगर पड़ से। तो ऐसे ये बात हमारा कुछ ना हुई एक आला से काम ना चली, तो हाथ साफ करे 19वीं सदी से ही वैज्ञानिक लोग कहता कि भाई ये हाथ साफ करे, तो एक मन लोग गलत समझ लग सरकारी माल साफ कर दल नेता लोग, तो हाथ साफ करे के बाद एक बार हैंगर रगड़ नहीं आ एक बार हेत रहे आ एक बार पीछे से दो बार हो गई है तो चार बार हो गई आ एगो नखोआ से हैंगे 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 साबुन लगा के आ फिर हैंगे 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 आई अंगूठो आ ए जा है करके आ फिर हेत रहे दो देवे के बाद बस इतने करे के बाद, लेकिन पानी आई कहाँ से पूछी सबके लगे पानी बा, अभी तो गर्मी चढ़ल था पानी तो ना होता इतना हाथ खेंगे धोखे में, तो ऐसे हाथ के गंदो नीचे करके कहीं जाके कहीं नहीं जाके छू देनी कहीं बैठ गई नहीं कहीं के को सुरती बना के लो चनर तू खा लो मनर तू खा ला मत करे, सब बंद सब बंद आई ओठ में है उनका के सुरती धैनी यो बंद। आ जे जे जाना सिगरेट पियत रहे उनका तो और ही खतरा बा, उनका तो दहिलक तो गई ले, तो सिगरेट पिए वाला के मना करेंगे तू ये घरी सिगरेट मत पी, तो सब केहू के रोके के बाद ताकि ये जो विपद आई बा वो कम से कम हो, जीत जाए आदमी ऐसा नहीं है। लोग प्लेगो से में 10 करोड़ लोग मर गए रहे प्लेग जब फैल रहे थे भारत में रोग 1918 में सोची वो घड़ी एगो फ्लू फैल रहा तो करीब करीब 2.25 करोड़ लोग मर गए रहे, लेकिन बाकी लोग बाँचल अपना इंतजाम से बाँचल, तो वो इंतजाम करे अभी केहू के पास दवाई वही आवे में बहुत टाइम लगी, तो थोड़ा सा ध्यान में रखे बा कि केहू मान लो अब टिकुलिये लगाओ देने लिपस्टिके लगाओ देने मेरा लोग कान छुआ था मुंह छुआ था ये सब नहीं खे करे, आंख नहीं खे छुके के नाक नहीं खे छुके के मुंह नहीं खे छुके, मान लीजिए रोगा लगे नहीं खे कोनो चीज रुमाले नहीं खे छिका होता केहू जाए कहीं छींक देता कहता भाई जी हमारा कुछ ना हो रोगा डराई बनी ये ना हो जाए तो है तरह छींके को है मैं मर गई नहीं, तो ये ऐसे हाथ से सीखे अभी इतना ये करे के बाद तबे जाके लोग बांची हीरो बनेंगे नहीं खे, रहुआ घर में रहें तो पुलिस के काम कम हो जाए तो दूसर काम करी अस्पताल बनावे में करी चीज सामान के जुटावे में करी, तो व्यवहार बदले के बारे ये पक्का लिख ली दूसर और कौन सी के व्यवहार बदले के बाद। अब एक जना सहरसा से हमारा भेजले गैस सिलेंडर का मार वहां पर 300 आदमी लागल लाइन में लागल नंबर लगल बड़ा गैस लेवल अरे भाई हो जाए कोरोना तो गैस वाले करबो कौन ची पकौड़ी तलब अस्पताले ना मिली सारा गैस रखल रह जाए घर में,
मान लो अब लेवे के तो जाए के बा, होम डिलीवरी तो हुई नहीं, पाइप तो नहीं है, तो दूरी ना बना ली, 6-6 फीट का दूरी बना ली, 6 फीट का दूरी, हर आदमी से 6 फीट दूर खड़ा रहे, हो गई। आ केहू छिका था तो नहीं पीछे हट जाए, इतना तो करे के बा, इतना ये ना करे तो ना बुझे केहू ना बचाइए, विधायको जी ना बचाइए, राउत जात वाला वो अपने भगिया की भाई कम से कम हमारा घर के लोग के हो जाए तो कुछ इंतजाम हो जाओ पटना में, बुझे नी साफ कहता नहीं। अब वो लोग नेता लोग का पैरवी उर्वी को करे, कोई उनको कार्यकर्ताओं को कहता नहीं कि तू अपन इंतजाम में रहो ना, नेता तो रोक के छोड़ के भाग जाइए, वो तो रोला ना ही है। तो ऐसे इंतजाम करे एक बार, मान ला डॉक्टर के पास गई नहीं तो एक बार झुंड लगा लगा कोनो जरूरत नहीं करे, सब कोई तनी तनी दूर होके 6-6 फीट के दूरी पर खड़ा हो जाए, कुछ लोग गाछ के नीचे, बेल के गाछ के नीचे खड़ा हो जाओ, कुछ लोग पीपर के नीचे, एक दो लोग भीड़ ना खड़ा हो जाए। अब दुकाने में गई तो काउंटर से 6 फीट दूर रही, ओकरा पीछे जो आदमी हुआ खड़ा हुआ उससे 6 फीट दूर रही, तो लाइन मान लो जरूरते बा, आवश्यक सरकार कह दे रही कि आवश्यक वस्तुओं का जो जरूरी चीज है वो दुकान हम खोल कर रखेंगे, दवाई ववाई का, तो इसका मतलब ही ना भइल कि जाके दुकान पर रैलिये कर देंगे, लाइने लगा देंगे कि भाई सब हमरे मिल जाओ। बहुत जरूरी संतोष रहे के बाद, संयम से रखे के बाद, कोनो चीज के कमी नहीं है मेरा देश में सामान के, बुझनी। तो मान ली कि गईनी कोनो दुकान में, अब साहू जी के यहाँ 2 पैकेट दूध बा, और वह पहले पहुंचनी तो दोनों पैकेट मत लेके आई, एक पैकेट लेके जाए, और कोनो को लड़का हुई जरा दूध ना मिल रही वो ले जाए ना, तो ये सब सिखावे के नहीं है। सरकार लोग तो गोल गोल घुमा ही लोग, अभी बहुत घूमते रहे, तो ऐसा अपने सीख जाए तो उनको सरकार के भी काम, स्कूल कॉलेज बंद बा, एक एक बैट बॉल खेला छुट्टी नहीं के भाई, कि मरले गेना गेना लेकर ढूंढ ढूंढ के ले लाई, यहां से वहां से वहां से सारा तेंदुलकर बनले निकल जाए कोरोना धरी, तो एक घड़ी ना तेंदुलकर बने के बना, रैना बने के, रैना साहब के वो लड़का भैल, उनको बधाई दे दी, बेटा भैल उनकर, पहले वो बेटी रहा बेटा भैल, तो गेंद कैच नहीं है करे के, खेल नहीं है करे के। और मेहरारू लोग ला एगो बात बहुत जरूरी बा, कि एक तो पहले मर्द लोग सारा लोग पानी ढोए के काम ले ले लो, सारा लोग ये हाथों धोवाई गए हैं कि ले आई पानी, आ पानी बचाए के बाद इंतजाम से, बहुत इंतजाम से, कहीं पानी बर्बाद मत हो के दी। ए बरा पानी सबका, पानी तो ऐसे ही अमृत है, लेकिन सब ला ए बरा अमृत हो गई पानी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बा कि हमने के गरीब लोग जो मजदूर लोग बा, बस्ती बा गांव में, मुखिया जी के यहाँ तो चापा कल लगल बा, लेकिन हो सका था कि 10 गो झुगी पे एगो चापा कल लगल बा, तो वहाँ पानी ले तो 20 आदमी जाई, उनमें लड़को रहो घुस जाए नहाए, लंगटे अपना 4 गो लड़का दौड़ता रहो सन, खेलबे करिए सन, पानी तो पानी देख के गए तो करे के का बा। तो रउआ अलग अलग सबके लाइन में लगे के बा, इनार पे गई तो बाद जाके पूरा चारों तरफ से जाके नजदीक निखे जाएंगे, पहले एक आदमी भर लो हट जाए, फिर दूसरा जाओ हट जाए, फिर तीसरका जाए, आ फिर लेके आए पानी। आ पानी बहुत इंतजाम से रखे बा भाई जी, बहुत इंतजाम से, अब गलती नहीं कर सकत रहो, एमें केहू बचावे ना ही। अब प्रेस वाला भी फोन करत रहे ओकनी का, तो वो प्रोपेगेंडा करे से तो फुर्सत नहीं है, ओकनियों के रोवा लोग उनके छोड़ देखनी है टीवी पे कि कहाँ कहीं जाकर रिपोर्टर घूमता आ देखाओ था कि यही ICU बनल बा, हई बनल बा, हई बनल बा, सब लोग था कहीं लोकल कहीं, तब ऐसे अपन इंतजाम करेगा तो का कहनी है, डरे के नहीं है आ डेरा पर रह के, हाथ से सुरती नहीं है खाए के, आना कि उसे हाथ मिला भाई बाउर आदत है छोड़ी बा बलाए, अंग्रेज दे गए उसने केहू से मिला था हाथ मिला ले ए बरा बन ठीक है, आँख मुँह नहीं छुए के हाथ बताइए देनी रहुआ कि पहले साबुन लगैनी ऐसे ऐसे धोनी साबुन ठीक बा, और जाके सैनिटाइजर के चक्कर मत पड़ी, साबुन बहुत बढ़िया बा, साबुन लेके हैंग रगड़नी है, हैंग हैंग रगड़नी है, हैंग गईनी है, हैंग गईनी है, तनी नोहवा तर नोहवा काट ली तनी, बहुत लोगों के देखा तनी नोह खाली बढ़ा बढ़ा के रख ले बा लोग, तो हैंग हैंग कर लेनी, ओके बाद फिर हई अंगूठुआ के ऐसे 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 करके हाथ धो देनी, ई काम भइल। घर में भी मान लीजिए कि राउत संयुक्त परिवार है, 20 आदमी बा परिवार में, अच्छा बात बात, लेकिन सबके दूर रह के, ऐसा ना कि खाए खोखी आवा तो 20 आदमी बैठ के जब बैठे आओ ना हो कुछ ना हो, इस सब चक्कर मत करिए हो जाए। हमने का अब आदत बदले के भाई, बीमारी का पता ना कि 1 महीना में खत्म हुई कि 2 महीना में खत्म हुई, ये केहू जानत नहीं है, केहू नहीं खे जाना,
हम बेजाय बात नहीं की कहत रहुआ लोगों से, बताई कि पटना में बिहार में का कोनो इंतजाम बा? कोनो इंतजाम नहीं है। डरा था लोग, पत्रकार लोग बोले ला। हम का करें, अस्पताल में दवाई नहीं है, हमारे का हम बोले कि अस्पताल में दवाई नहीं है, का बोली एकजुट रही दवाई नहीं है, ये काम है पत्रकार के? हम बोले तबे तो सरकार लोग दौड़ के पहुंचाई मोतिहारिया बेगूसराय में दवाई, तो सब पत्रकार लोग अपन काम छोड़ दे बा। लेकिन अब ये बीमारी आई बात अब देखत न बनी न्यूज चैनल पर कितना डॉक्टर लोग आवत था, पहले आवत रहे डॉक्टर लोग, मौलाना आवत रहसन और पंडित लोग आवत रहे, लोग खाली झगड़ा करावला झाओ झाओ, डॉक्टर लोग तो पहले ही रहे, काहे ना आवत रहे टीवी पे बतावेला? अब ये बेरा आवत लोग, क्योंकि अब कुछ है नहीं क्या, जाए कहाँ, चारों तरफ कर्फ्यू लागल बा पत्रकारों लोग ला, तो स्टोरी नहीं के मिलत, डॉक्टर लोग बैठल बा स्टूडियो में वो लोग ज्ञान देता लोग, लेकिन वो लोग नहीं कहत लोग कि हमनी के जो डॉक्टर बड़न सन कम बनी सन, इंडिया में तनी डॉक्टर लोग कम बा, तो ओकर सुरक्षा के इंतजाम ढाई महीना में का भइल? 30 जून जनवरी के पहला केस इंडिया में भइल, तो अब जाके देखी तो जबलपुर में दरभंगा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर लोग, अलीगढ़ के डॉक्टर लोग, PMCH के डॉक्टर लोग चंदा जमा करता लोग, हमनी के सामान दस्ताना वस्ताना वो खरीदिए सन, तबे न लोग नजदीक जाइए सन, डॉक्टर लोग नर्स लोग फार्मासिस्ट होला जो टेक्नीशियन होला। अब देखिए एक बात केहू नहीं के सोचत कि लॉकडाउन हो गई तो अस्पताल के जो छोट मोट कर्मचारी बड़ा सन ओपनी के लगे तो मर्सिडीज नहीं है डॉक्टर लोग खानी, वो कहीं नहीं जाइए अस्पताल में, और अस्पताल में बहुत तरह का सप्लाई होला, वो कहीं जाइए कहाँ कहाँ पास बनी काका बनी, तो ये सब कभी इंतजाम करे एक बार। दूसर गरीब लोगों पे बहुत विपद आई भाई, बहुत ज्यादा देखल नहीं खेजा, देखल तनी कि जितना ठेला वाला लोग लगा के रहत रख लोग, कुछ अपना राजमा चावल बेच के खात रख लोग, वो सब बंद हो गई बा, केहू खाए वाला नहीं है, आ कर्फ्यू लागल बा तो केहू अनुमति तो नहीं है, तो लोग बहुत तकलीफ में बाल हुए। एगो रिक्शा वाला के देखनी काल बालकनी से कि वो बेचारा तीन एक किलोमीटर तक रिक्शा अकेले सुनसान में खींचत गए, उम्मीद में कोनो सवारी मिली, अब सवारी रहे वो आदमी आवत रहे स्टेशन से दू बोरा ले कहीं से आवत हुई, वो आनंद विहार बगले में बात तो उतरल हुई बस उससे, तो वो डर के मारे रिक्शा पर नीचे चढ़ती कहीं ओकरा के छूला पे कहीं कुछ वायरस ना फैल जाओ लोग, तो ये तो बात चीज भइल, लेकिन रउआ लोगिन एक बहुत सावधानी रखे के बा, कोरोना के समय है, घरे में बानी मान लीजिए कि राउर ड्राइवर है राउर जाना मजदूर बड़ा सन, तो सबके बुला के खाना खिला दी, दूरे से दे दी लेकिन खाना खिला दी सबके, खिला दो रोटी गांव में, जैसे मुखिया जी के मान लीजिए जितना आदमी भूमिहीन मजदूर बा लोग का खेलो, जनत नहीं कि सरकार के का हाल बा, वो कर्मचारी तो खुदे डराइल बड़ा दिन रात फोन करा दे रहा सन कि सर हमनी के तो कोनो सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, इंतजाम ना करवाई, अब वोट दिए जितना लोफर किस्म के क्रिमिनल बड़ा सन ओपनी के पीछे जाके लोग वोट देता, फोन करा था लो हमरा के, तो वो लोग भी डराइल बा एक दूसरा से वायरस हो सकता, लेकिन वो लोग के काम करे के बा, तो ऐसा इंतजाम करी कि सरकारों पर रहुआ निर्भर ना रही, सरकार के भी काम जिम्मेदारी कम होके और सरकार अपना पूरा ध्यान अस्पताल पर लगा, पूरा हमनी के अब सामाजिक जन जीवन का जो तौर तरीका बा वो बंद करे बा, इना की न्योता आई अब बस पे लदा गई चल गई कि ना ना मौसी के लड़का हाथ तो जाए के पड़ी, वो लोग हमारा तीनों न्योता में आई बा हमारा जाए के बा, ये मत करी नहीं जाए के रहुआ, कोनो ब्याह शादी में मंदिर में नहीं जाए के आ मस्जिद में नहीं जाए के, दो जगह नहीं, जितना मौलाना लोग बा लोग मस्जिद हमसे कहीं रहुआ लोग इनकी सारा साफ करके रखे के बा, काफी मस्जिद काफी जगह होला खुला, तो वो हो सकता है अस्पताल में बदल जाए इमरजेंसी के अस्पताल में, जितना खुला खुला ईदगाह बड़ा बड़ा था मठ में जो खुला जगह होला तो सब अस्पताल में बदल सकता, वो लोग के पास पैसा रुपया तो होबे करेला मठ उठ वाला, तो वो लोग अपन इंतजाम रखो 20-25 तो बेड खरीद लाओ ले आके थोड़ा टेंट वेंट लगा दो ताकि जगह कोई इन्फेक्शन हो जब तक सरकार आई, मान लीजिए कि रहुआ बेतिया में बानी पूछी नेता लोग से बा कुछ मिली कुछ ना मिली, देखी डॉक्टर लोग का पहन लगा दस्ताना होके चाहिए आंख होके हो चाहिए ओकनी के बची सन तब न बचाई लोग ही लोग हमनी के, तो एक साइकिल हो गई बा, सरकार हमनी के ध्यान रखो हमनी के सरकार के ध्यान में रखे के बा, डॉक्टर हमार ध्यान रखो हमरो डॉक्टर के ध्यान में रखे के बा,
जो मजदूर लोग बा लोग ज्यादातर लोग देखी छोट मोट धंधा हलवाई के दुकान बंद हो गई और जतना भूजा बेचे वाला बड़ा सन ओकनी के दुकान बंद हो गई, तो तकलीफ तो हुई न जी। ये तकलीफ कहेंगे पार हुई, खाली नारा देवे से तो ना हुई। अब सब राज्य सरकार लोग अनाउंस तो कैले बा कि 2000 करोड़, 12000 करोड़, कहीं 20000 करोड़ करता लोग, बोलता लोग कि हम देते नहीं 500 1000 रुपया। दुकानें नहीं खे तो कहाँ से, बहुत गरीब लोग के घर में अनाज नहीं खे न, कहाँ से खाइए सब। ये सोचे के नहीं खे, सोचे के बा बुला के है ना, खाली कामे खाती बुलावे गए तो नहीं, दूर से जाके घर में दे आई खाना अपने कम खाली, चाउर दाल आलू खाली, आलू ही मंगा ली दू बोरा वह खाई, 3 गो तरकारी खाई जरूरी बा, रघु 3 गो तरकारी खाए और केहू के 1-7 तरकारी ना जरूरी ठीक बा, ठीक नहीं खे, देखल ना जाए तकलीफ है। ये नौटंकी होते रही सरकार, सरकार फुटबॉल हॉल होते रही, उसमें बहुत पड़ी रहा लोग, तो अपने से इंतजाम करी तो खर्चो कम हो जाए। बहुत अभी तकलीफ आवे के बा आर्थिक मोर्चा पे, बहुत लोगों के नौकरी चल जाई, लोगों के सैलरी ना मिली, तो सब जना के वजन पूरा हीरोगिरी रहे, वो तब कम हो जाए। हम नहीं हो क्या ऐसा नहीं कि हम नहीं को सुपर स्टार है सर, दाते जी आर बंगलों में बा लोग अपना घूम रहा बा, अपने बुझाते नहीं कि अब का करी, सबके के हुई, लेकिन मिलजुल के हमने क्या पार कर लीजिए। लेकिन नौटंकी से ही समस्या के रहुआ पार नहीं की कर सकत जी। हाँ ड्रामा मत करिए, ड्रामा के टाइम चल गई, अभी ड्रामा होता रहा तो ड्रामा छोड़ दी, अब नौटंकी छोड़ दी, सीरियस हो जाए और दूरी से समाज से जुड़ी, दूर दूर से सबके ख्याल रखी, कोई के खाए के नहीं खा तो ओकरा के भेजवा दी, पूछी केकरा केकरा खाए का बनल है कि ना बनल है, पूछी तो शाम से बनल है कि ना बनल। तो एमे अब राहुल असली परीक्षा हुई कि रहुआ मनुष्य बाँचल बने कि ना, काहे से कि हमनी के बौरा गई रही है सब, बुझात रहे कि दुनिया जीत ले बने सब और भगवान अब कुछ नहीं कहना और आदमी है सर्वशक्तिमान, देखो नहीं आदमी के लुकाई बड़ा संसार घर में के रोड पर नहीं गली बुझा गई लो आदमी का औकार, दवाई नहीं खे गए तो बाई में रहे लोग सब जाना, हम नहीं हो क्या बा बुझात रहे बाप रे बाप कुछ होवे ना करी, चिंता करे का बात नहीं कहता, जितना हुआ भविष्य के ना सोच ले रही है वो तो भविष्य आ गए लोग आई नो। तो ऐसे ये टाइम हो मुड़ी झुकावे के शांत हो जाएगा और दूसरे का हाल चाल पूछेगा, तो रुआ करी। बाकी देखी न्यूयॉर्क में बड़ा झगड़ा होता, वहाँ के मेयर गुस्सा गए अपना राष्ट्रपति पे कहते रहे कि वेंटिलेटर निखन दे सन, तो वेंटिलेटर तो नहीं है भाई, वो तो छोट मोट चीज रह रहे हुआ बनावत ना रहनी, ऐसे ना वेंटिलेटर कम बनत रहे, अस्पताल कहाँ बनत रहा, अस्पताल बनत रही तब न वेंटिलेटर रही, तब बनतो वह अस्पताल तो मान ले कह देते रहसन कि 2000 बेड का अस्पताल अखबार में विज्ञापन वोट लेकर चल जाते रहसन आ 5 गो ICU बनावते रहसन। अब ए बेरा वो ले आए तो ICU में लगावे के बायोमेडिकल इंजीनियर वो कहाँ से ले आए, ऐसे न देखो तो नहीं कि जब ICU के मेंटेन नहीं हो तो जे ICU में जाता वेंटिलेटर पर निमोनिया काय हो जाता, ओकर सिस्टम नहीं है, सब यही तरह चलत रहे। तो अब इतना ना चली, अब इतना ना चली, अब देखनी है कि सारा गाड़ी रुक गई, अब तो क्यों देखा जाएगा 9 बजे अर्जेंट मीटिंग में कितना पैसा का नुकसान भाई, लाखों करोड़ रुपया का, अगर ये हेल्थ पे ये खर्चा भइल रहे भइल रहे तो ना हुई नुकसान, हाँ सोची सोच के देखी कहीं भी किसी से भी। तो इंग्लैंड में देख ली तो कहता रहा सन की 8000 5000 वेंटिलेटर है, जबकि वो नेशनल हेल्थ सर्विस इंग्लैंड वाला का बड़ा बढ़िया बात था, खूब बढ़िया, इटलियों का खूब बढ़िया बा, अमेरिको का खूब बढ़िया बा, लेकिन वहां का मेयर दिन रात कहता है जो न्यूयॉर्क स्टेट है और गवर्नर कि हमने क्या वेंटिलेटर नहीं है, सुननी है ऐजा क्यों के बोला वेंटिलेटर है कि नहीं है, एक न बीमारी है और लक्षण तो एक है, इतना है कि न्यूयॉर्क के मरीज के अलग लक्षण बा और भागलपुर वाला मरीज के अलग लक्षण बा, यह बोली तो, लेकिन हुआ का गवर्नर रोज चिल्लाता है भाई राष्ट्रपति से कहता कि अरे भेजवाई वेंटिलेटर, न्यूयॉर्क में 2 करोड़ आबादी बड़ा समझा है भाई वेंटिलेटर भेजवाई नहीं खे, रोज चिल्लाता कि हमनी के जान से लोग मर जाए, जो आदमी के हम बचा सकता नहीं
वेंटिलेटर के बगैर मर जाइए सन। हमने कहें कि सुननी है रोबा क्योंकि मुंह से कौन हेल्थ मिनिस्टर के मुंह से तो ड्रामा करे के टाइम नहीं है। हमार चिंता मत करी, हमारा के गरियाए वाला बहुत बड़ा सन गरिया होते रह जाइए सन, बात हम सही कहते नहीं। आ केहू यही नहीं है कहत कि चलो ना हम अपना अस्पताल में दिखाओ तो नहीं तू गलत बोलत रहा हमारा अस्पताल में शॉर्ट वेंटिलेटर है बोलत क्या नहीं के क्यों हमारा के जब हम कहते नहीं वेंटिलेटर नहीं है तो गाली देला से काम थोड़ी हो जाए। अरे भाई डॉक्टर में सीरिंज नहीं रहेगा अस्पताल में तो कहां से इलाज करवाओगे तो के बोलेगा पत्रकार बोलेगा ना कि सीरिंज नहीं है तो ये तुमको समझना ना पड़ेगा। हर बात का लफा शूटिंग नहीं ना हो सकता है ये बुझो इस बात को। जर्मनी 10,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया है 10,000। न्यूयॉर्क कह रहा है कि हमको इंग्लैंड कह रहा है कि हमको 30,000 वेंटिलेटर चाहिए। बुला रहा है सारा कंपनी वाला को जो कार बनावत रहा है वो भाई भाई 40 लाख का 1 करोड़ का कार लेकर लेके का फोटो ना भेजत रहा था अमेरिका से सब जाना मुंह बादलेगा बुझाता नहीं क्या कि का हो गई दुनिया में तो कह जाता कि तनी के लगे कोनो सामान उमान बात मिला के वेंटिलेटर बनाओ क्योंकि इस वक्त हम लोग को सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन वो जब तक नहीं है कड़ाई से संयम से घर में रही तनी निराशा हुई निराश नहीं खे होकर मजबूती से देखे निराश होके न तो शरीर कमजोर हो जाएगा मन कमजोर हो जाएगी तो संक्रमण धली ओहू से में धल उम्मीद में रखे के बाद ये लड़ाई हमनी के जीत नहीं सुन बिना तैयारी के तो उम्मीदें कर सकते तैयारी के कैलक ना अब धोखा हो गई तो हो गई अब जाए दी लेकिन आ जिंदगी राउर हो तो रुआ इंतजाम करी केहू कहत नहीं जा हमारा के देखो हम वही तैयारी कैले भाई तू गलत बोलत रहा केहू नहीं के कहत काहे तू बोलत रहो। अरे भाई जब हम 2 बरिस पहले जब प्राथमिक सेंटर पर बोलत रहनी तब वो लोग गरियावत रहे कि तू अब यह बोलत रह लेकिन वो सब चलत रही बात हमारे साँच है। थोड़ा तकलीफ होला बोले में हमरो होला हम नहीं चाहत कि इस टाइम में बोली लेकिन 2-3 चीज फिर से हम बोले नहीं अब खत्म कर दनी कि दूरी बना के रखे के बाद कहीं भीड़ में नहीं खे बनावे के कहीं सामानों तरकारियों किने के बाद तो मार्केट में एक बार जाके गईनी एतवार के मेला में मंदिर के पीछे बाजार लगल बा घुस के वहाँ भीड़ के लिए बनी मत करी दूर दूर से दूर दूर से तरकारी खरीदी एक लाइन में जाई फिर जब चल जाओ तो दूसरा आदमी आगे जाओ कम सामान खरीदी कोनो कमी नहीं है देश में कम सामान खरीदी आ हाथ साफ रखी लोगों के साथ सटी ना छींकी ना या छींके के आदत बदलनी यही अभी 2 महीना के बात नहीं है अब जिंदगी भर आरुआ के ये इंतजाम से रुआ रखे के बाद और जे लोग अपना आसपास के गरीब लोग बा ओकरा के चिंता करे के बाद सोची 2 गो रोटी 1 कटोरी सब्जी मान लीजिए कि हमारे घर से चल गए रुए घर से चल गए एक आदमी क्यों भूखे ना सो कुछ क्यों भूखे ना सो तो यही है दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया मैं अपनी बात पहुंचाने के लिए आप लोगों ने भी सुना। मैं मूल बात यही कह रहा था कि पहले इस कोरोना वायरस के की दवा तो किसी के पास नहीं है ये आपके पास जानकारी है और कोई जादू टोटका काम नहीं आने वाला है। सफाई और घर में रहना यही एक उपाय है। दुनिया भर की सरकारें जो कदम उठा रही हैं उसमें कोई अब नयापन नहीं है सब या तो कोई कदम पहले उठा रहा है या वही कदम बाद में उठा रहा है तो इसमें किसी को बेसी श्रेय देने का नहीं है। अब बहुत देर हो गई वो आप मैं कहूँगा तो आपको तकलीफ होगी लेकिन विश्व बैंक ने भी इसको पैंडेमिक घोषित करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी काफ़ी देरी की है और सरकारों ने भी अमेरिका की सरकार ने काफ़ी लंबा समय लिया इसको मजाक खेल समझ रहा था और देखिए वहाँ पर कितने लोग मर गए हैं। भारत में एक अच्छी स्थिति यह है कि बीमारी अभी भी एक नियंत्रित स्थिति में दिख रही है पर खतरा गया नहीं है कम लोग मरे हैं और हम लोग अगर मिल के कड़ाई से कर लें सामाजिक दूरी बना कर रखें दुकान में लाइन लगाएं 6-6 फीट की दूरी पे ज़रूरत का ही सामान खरीदें और इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सत्यवादी आचरण करें झूठ में ना रहें धोखे में ना रहें अस्पतालों के इंतज़ाम के बारे में सोचें। अब नहीं है हमारे पास बहुत ही घटिया व्यवस्था है स्वास्थ्य की हमारे यहाँ डॉक्टर अब देखिए डॉक्टर लोग भी जय जय में लगा हुआ था
लेकिन जब पता चला कि उनको इलाज करना है तो आप फोन कर रहा लो कि रवीश जी आप कहाँ हैं, छुट्टी पे क्यों हैं, क्यों नहीं हमारी सुरक्षा की बात उठा रहे हैं। तो फेसबुक पे तो हम बहुत लिखे हैं कि और वो होना चाहिए, क्यों नहीं था, क्यों नहीं हुआ, 2.5 महीने में 30 जनवरी को आया, वो अब तक सारे अस्पतालों में क्यों नहीं पहुंचाया गया। क्या ये सवाल गलत है? किससे जाके पूछेंगे? हर जगह पूछा जा रहा है, न्यूयॉर्क में पूछा, न्यूयॉर्क का मेयर रोज अपने राष्ट्रपति से कह रहा है कि भाई आप कब ऑर्डर करोगे सामान, दोगे कि नहीं दोगे, हमारे पास वेंटिलेटर की सप्लाई कम हो जाएगी, हो सकता है हमको जरूरत ना पड़े, हो सकता है। लेकिन अगर हम इस वक्त स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सवाल को प्रमुखता देंगे तो हो सकता है कि यही नेता जिन्हें हम बहुत दोष देते हैं, बहुत ताने मारते हैं, बहुत आलोचना करते हैं, उनके दिमाग में ये सबसे ऊपर बात आएगी कि हाँ अब हमको अगर कुछ करते हुए दिखना है तो अस्पताल बनाते हुए दिखना है। कोई वेंटिलेटर की कमी नहीं होनी चाहिए, कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तो हम सुरक्षित रहेंगे तो डॉक्टर को भी सुरक्षित रखेंगे, जितना ज्यादा डॉक्टर सुरक्षित रहेंगे उतना ज्यादा हम सुरक्षित रहेंगे। तो ये चीज देखना है, गांव में शहर में भीड़ बना के मैच मत खेलिए, क्रिकेट मत खेलिए, कहीं जाके सब्जी बाजार में ये सब गैस का ही लेने गए हैं, आप मान लीजिए चले गए हैं, ठीक है अब सरकार हर चीज तो नहीं बंद कर सकती है, तो आप दूरी बना कर, तो जितना ज्यादा आप अनुशासन का पालन करेंगे सरकार आपको निगरानी करने की जिम्मेदारियों से मुक्त होगी, और जब उसका समय बचेगा तो क्या करेगी? फिर आप पूछिए कि आप अस्पताल बनाने में क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, सैंपल टेस्ट करने का किट कहाँ है आपका, क्यों नहीं आया अभी तक, कितना सैंपल किट है आपके पास बिहार में, क्यों सिर्फ RMI पटना में हो रहा है, क्यों नहीं मोतिहारी में हो रहा है, बेतिया में हो रहा है, और अगर बेतिया में किसी को हो गया इस तरह का लक्षण आया तो किस तरह से उसका सैंपल पटना जाएगा, किस तरह से उसका सैंपल गाजीपुर के गहमर गांव से बनारस पहुंचेगा, ये सवाल कौन पूछेगा, पत्रकार पूछेगा। तो इसलिए हम जब सवाल पूछें तो हमारा साथ दिया कीजिए, गाली मत दिया कीजिए क्योंकि हम सब जिंदगी और मौत के एक ही नाव पर सवार हैं, हम सबको मिलकर एक दूसरे से दूर रहते हुए एक दूसरे को बचाना है, खुद को बचाना है। एक ही प्रेस्क्रिप्शन पूरी दुनिया में दिया जा रहा है, स्टे एट होम, घर पर रहिए, किसी के पास अभी कुछ नहीं है तो बुलंद रहिए, खूब पॉजिटिव माइंड में रहना है, खूब पॉजिटिव माइंड में रहना है और इस बीमारी का सामना करना है। जो गरीब लोगों के लिए योजनाएं सरकारें घोषणा कर रही हैं, देखिए कि वो लोगों को उनको खाना, हाथ में पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अपने गांव के मुखिया को फोन कीजिए आप कि विधवा पेंशन का पैसा गया कि नहीं गया, उसके हाथ में मिला कि नहीं मिला, जाकर दे के आए कि नहीं दे कर आए, और देकर ही नहीं उन सबको खाने का कोई व्यवस्था है कि नहीं है। जो भी कम्युनिटी की व्यवस्था करें वो एक इंडिविजुअल तरीके से करें, नहीं पूरा वहाँ भीड़ लगा दिए, पूरा एकदम शमियाना लगा के 5 हलवाई जुटा के खाना बन रहा, नहीं नहीं, भात एक जगह बनेगा, दाल एक जगह बनेगा, सब्जी एक जगह बनेगी और खाने को रख दिया जाएगा, लोग आएंगे अपना अपना खाना उठाकर चले जाएंगे एक दूसरे से दूरी बनाते हुए, एक तरह का बुफे सिस्टम बनाना है। तो हम लोगों को लगातार नया नया आइडिया सोचना है। अब ये भी सोचना है सरकारों को, धड़ से सारा शहर बंद कर दिए तो अस्पताल के छोटे मोटे कर्मचारी कैसे पहुंचेंगे, पास बनवा दिया कौन जाएगा पास बनवाने, सबको थोड़ी सिस्टम आता है बेचारा काम करने में, तो सबको एक तरह का कुछ एक व्यवस्था कीजिए जिससे अस्पताल में सप्लाई कम ना हो, जल्दी से जल्दी अस्पताल बनाइए। और जागरूकता, आप जो जान रहे हैं वो दूसरों को बताइए, मिलकर चलिए, मिलकर बचाइए। जय हिंद, नमस्कार।